हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन IIT JEE 2018 के पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन बेस्ड है वो कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट और इंटीरियर पॉइंट पे बेस्ड है। आप देखेंगे कि कनेक्टेड सेट के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि कनेक्टेड सेट का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 2019 2020 के जो वीडियो का सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कनेक्टेड सेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के क्वेश्चन है वो भी देखेंगे कैसे पूछे जाए, और इसमें कुछ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और तीन क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो मल्टीपल सेलेक्ट थे। तो आप देख सकते हैं कि दो दो नंबर के थे, तो 6 नंबर की पॉइंट से टोपोलॉजी पूछी जा रही है आपको 100 में से। और अगर आपके 50 के अराउंड नंबर आते हैं तो आप सिलेक्शन को श्योर समझ सकते हैं, अच्छी कॉलेज मिल सकती है। तो आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, और इसके लिए अपने थ्योरी की वीडियो भी बना रखी है, उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सो इस वीडियो में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पी एंड क्यू बी टू नॉन एम्प्टी डिस जॉइंट सबसेट ऑफ आर, यानी कि पी और क्यू दोनों कैसे नॉन एम्प्टी है, डिस जॉइंट सब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो गलती नहीं करनी है। कहीं अपन देखें कि पी एंड क्यू आर कॉम्पैक्ट तो इस पर टिक मार दे खटाक से, ऐसा नहीं करना है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पी और क्यू दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है, नॉन एम्प्टी है, तो अपन को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला कि पी एंड क्यू आर कॉम्पैक्ट, देन पी यूनियन क्यू कॉम्पैक्ट, पी एंड क्यू आर नॉट कनेक्टेड, देन पी यूनियन क्यू इज आल्सो नॉट कनेक्टेड, पी यूनियन क्यू एंड पी आर क्लोज है तब क्यू क्लोज हो जाएगा, पी यूनियन क्यू एंड पी ओपन है तब क्यू ओपन हो जाएगा। तो अपन एक एक करके इसको सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि पी और क्यू दोनों कैसे हैं, कॉम्पैक्ट है, तो पी यूनियन कैसा होगा। अब अपन को गिवन है कि पी और क्यू दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू कैसा आएगा, फाई आएगा, और फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बताने। जब पी और क्यू दोनों कॉम्पैक्ट है इसका मतलब क्या है, पी और क्यू दोनों कैसे हैं, क्लोज है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, पी भी क्लोज है, क्यू भी क्लोज है, दोनों बाउंडेड है। और अपन जानते हैं कि क्लोज सेट का यूनियन ले लेते हैं फाइनाइट सेट का क्लोज का, अपन यहाँ पे तो दो ही सेट ले रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि पी यूनियन की क्यू भी कैसा हो गया, क्लोज सबसेट ऑफ आर हो गया। अब पी बाउंडेड है, क्यू बाउंडेड है, तो पी यूनियन क्यू भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हो जाएगा। अब इसका मतलब पी यूनियन क्यू कैसा हो गया, क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, तो इसका मतलब क्या बन गया, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर बन गया। तो पी अगर क्यू कॉम्पैक्ट है, क्यू कॉम्पैक्ट है, तो उनका यूनियन भी कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर अपने को फॉल्स बताने हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि पी एंड क्यू दोनों कैसे कनेक्टेड नहीं है, तो यूनियन के बारे में क्या होगा। अब अपन पी और क्यू को इस प्रकार से चूज करते हैं, जैसे आप कोई क्लोज इंटरवल ले लो, उसमें से कोई फाइनाइट पॉइंट हटा दो, जैसे आप 0.1 ले सकते हैं। मैंने इसको जनरली बता दिया कि यहाँ पे पी यूनियन क्यू को आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो क्लोज इंटरवल a,b चूज करते हैं, तो जैसे आप a,b चूज करेंगे पी यूनियन पी को, सॉरी, जब a,b चूज कर लेंगे और उस इंटरवल a,b, तो अब क्या होगा कि अपन को पता है तो कनेक्टेड सेट है, पर अपने को पता ना कि नॉट कनेक्टेड, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से कुछ फाइनाइट पॉइंट हटा देंगे। जैसे अपन यहाँ से सी और डी दो फाइनाइट पॉइंट लिए, उनको हटा दिया। जैसे ये अपना a,b पूरा इंटरवल था, इसमें से दो पॉइंट्स थे, वो a,b में से सी और डी हटा दिए, सिंगलटन पॉइंट थे, इनको हटा दिया। तो अब क्या होगा, अब पी डिसकनेक्टेड हो गया, क्योंकि कोई भी जो कनेक्टेड सेट होता है आर का, वो क्या होता है, पूरा का पूरा इंटरवल होता है। अब पूरा का पूरा इंटरवल से हमने दो पॉइंट हटा दिए, बीच में से तोड़ दिया इसको, तो ये कनेक्टेड नहीं रहा। और क्यू क्या कर लेते हैं, क्यों अपन वही सेट ले लेते हैं जो पॉइंट अपन ने हटाए थे यहाँ से। इसका मतलब क्यू तो मेरा क्या होगा, सिंगलटन सेट, एक तो सी आर है और एक डी आर है, बीच में से कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी कनेक्टेड नहीं है। तो P भी कनेक्टेड नहीं है, Q भी कनेक्टेड नहीं है, पर जब अपन इनका यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा सेट, पूरा इंटरवल a,b बन जाएगा। और अपन को पता है इंटरवल तो क्या होते हैं, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर होते हैं। तो इसका मतलब अपन जब P यूनियन Q लेंगे तो क्लोज इंटरवल a,b बन जाएगा, वो क्या बनेगा, कनेक्टेड सबसेट आर बन गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, जबकि ऑप्शन में बोला था कि P और Q दोनों नॉट कनेक्टेड है, तो P यूनियन Q भी नॉट कनेक्टेड होगा, जबकि ये तो क्या बन गया, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर बन गया एज ए क्या, इंटरवल है। तो बी ऑप्शन तो गलत है, इसका मतलब अपन को फॉल्स ही बताना था, तो बी तो इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना सी स्टेटमेंट की बात करते हैं। सी में बोला गया था कि पी और क्यू दोनों कैसे क्लोज हैं, सॉरी, पी और पी यूनियन क्यू क्लोज हैं, पी यूनियन क्यू और पी क्लोज हैं, तो क्यू में बताना है, आगे वाले पी यूनियन क्यू और पी ओपन है, तो क्यू के बारे में बताना है, यानी कि पी और पी यूनियन क्यू की बात कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, पी ले लेते हैं अपन कोई फाइनाइट सेट, यानी कि सिंगलटन a,b,c इस टाइप का ले लिया हमने कोई फाइनाइट सेट, और क्यू अपन ने ले लिया ओपन इंटरवल a,b। अपने को बोला कि P क्लोज है और P यूनियन Q क्लोज है, तो अपन को ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि P भी क्लोज ले लें और P यूनियन भी Q क्लोज ले, ऐसा कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे, फिर अपन Q की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने सिंगलटन a,b लिया, तो फाइनाइट सेट तो क्लोज होते हैं, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता, और कोई सेट क्लोज कब कहलाता है, जब P क्लोजर इक्वल्स टू P आ जाए, यानी कि P यूनियन P डैश, और P डैश का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब जब इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तो P क्लोजर इक्वल्स टू P आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स अपन ने थ्योरी में बहुत करे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब P कैसा हो गया मेरा, क्लोज हो गया। जब P क्लोज है और Q ऐसा सेट है, तो अपन P यूनियन Q और देखते हैं। जब P यूनियन Q करेंगे, अपन ने Q कैसा करा, ये बाउंड्री पॉइंट्स को है ना, उन्हीं को तो हटाया है यहाँ से, तो जब ये बाउंड्री पॉइंट शामिल कर देंगे तो मेरा
पी यूनियन क्यू क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी बन जाएगा। और जैसे पी यूनियन क्यू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी बन गया तो ये सेट तो क्लोज हो गया ना, क्योंकि सारे पॉइंट्स के क्या है लिमिट पॉइंट है। तो पी यूनियन क्यू भी क्लोज है और पी अपना सिंगलटन ए कोमा बी था तो वो भी क्लोज था। तो इसका मतलब पी और पी यूनियन क्यू तो क्लोज है बट क्यू तो क्या है क्लोज नहीं है ना, ए कोमा बी ओपन हो गया ये तो नॉट क्लोज। इसका मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ ए कोमा बी क्या है, ए एंड बी है उसके अंदर है, तो पी यूनियन जो सॉरी क्यू है वो क्लोज नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अपने को रॉन्ग ही बताने थे तो सी ऑप्शन भी इसका आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं डी में, बोलता है कि पी और पी यूनियन क्यू कैसे हैं ओपन है, तो आप बताओ कि क्यू कैसा होगा। अब पी अपन 0.1 माइनस कोई पॉइंट ए हटा देते हैं, 0.1 से नहीं कि ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अब कोई सेट ओपन का बताता है उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, तो अपन देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल में से अगर कोई पॉइंट हटा पे देंगे तो वो सेट कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो यहाँ से पता लग रहा है पी तो मेरा ओपन ही है, और मैंने क्यू क्या ले लिया, जो पॉइंट हटाया था ना वही ले लेता सिंगलटन ए। और जब पी यूनियन क्यू करूंगा तो क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 0.1 टाइप का बन जाएगा, और ओपन इंटरवल 0.1 तो क्या होता है ओपन ही होता है। तो पी और पी यूनियन क्यू तो कैसे बन गए, ओपन बन गए। पर बात करते हैं क्यू की, तो क्यू कैसा है। अब क्यू तो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट हमेशा क्या होते हैं क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते। ओपन क्यों नहीं होते कि इनका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं होता। अगर मान लो अपन इंटीरियर पॉइंट क्या क्या बोलते हैं कि कोई सेट कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, अगर ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन दैट सेट। पर अपन को पता है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ए के अंदर तो कंटेंड नहीं होता, इसका मतलब जो सिंगलटन ए वो मेरा ओपन तो नहीं है। तो ओपन नहीं है तो ये कैसा है, क्लोज है। तो अपने ऑप्शन में बोला गया था कि पी और पी यूनियन क्यू अगर ओपन है तो क्यू भी ओपन होगा, पर यहाँ पे तो क्यू क्लोज है तो डी वाला भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब बी सी डी तीनों ऑप्शन कैसे इसके रॉन्ग है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों अपने पूछा था फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स तो इसके क्या हो गए बी सी डी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी सी डी। तो आपको यहाँ पे सोचना था बस, आप क्या करना था, अब कोई भी इंटरवल लेते 0.1 और उसमें से कुछ फाइनाइट पॉइंट हटाते, एक बार क्लोज ले लेते एक बार ओपन ले लेते, जैसे जैसे इसमें बोला गया था वैसे वैसे लेते, तो आप इजीली इसको कर सकते थे कि कैसे एग्जांपल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आर के जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं वो इंटरवल होते हैं, वो ध्यान में होना चाहिए, और कैसे आप एग्जांपल्स को चूज करते हैं सिंपल से सिंपल देने का ट्राई करें, 0.1 ए कोमा बी इस टाइप का लें ताकि आपको जल्दी से दिमाग चल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूरा कनेक्टेड पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड। पहला सेट है एक्स बिलोंग्स टू आर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 4, और मोड एक्स लेस देन मोड एक्स माइनस का 4, और मोड एक्स ग्रेटर देन मोड एक्स माइनस का 4। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ दो इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, एक में लेस देन ग्रेटर देन दोनों में सेम सा ही काम चल रहा है। तो अपन एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दे रखी है ए ऑप्शन में, फिर देखेंगे कौन सा इंटरवल बना रहा है, जिसमें भी इंटरवल बन जाएगा वही क्या बन जाएगा कनेक्टेड। क्यों अपन जानते हैं ना आर के जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं वो इंटरवल होते हैं, इस बात को आप दिमाग में घुसा लो कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज इंटरवल। तो अब यहाँ पे बोलता है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 4, यानी इसको अगर अपन इक्वलिटी भी माने तो इक्वेशन कैसे बनेगी, सपोज दैट इसकी 2 डिग्री का है तो इसके 2 रूट होंगे रियल रूट, एक्स माइनस अल्फा 1 और एक्स माइनस अल्फा 2। अब इसको अगर अपन सोल्व करें इक्वल में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 बनेगा ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 17, इसको मान लो रूट 16 होता है लगभग सपोज दैट, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 4 आती है, यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस का 4 अपॉन बाई 2 आता। तो अगर आप देखेंगे एक बार प्लस साइन देंगे तो ये माइनस का 1 प्लस 4 3 पॉइंट कुछ, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, अपन को पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, और नेगेटिव लेंगे तो दोनों रूट कैसा देंगे, दो साइन नेगेटिव है तो माइनस का 5 बाई 2 यानी नेगेटिव, यानी कि एक रूट तो कैसा है पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जो विवेक्चर होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4 इसी चेक करके भी बता सकते हैं कि इसका एक रूट तो पॉजिटिव होगा और एक रूट इसका नेगेटिव होगा। तो अपन मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाला अल्फा 1 है नेगेटिव वाला अल्फा 2 है, जो पॉजिटिव वाला रूट है वो नेगेटिव वाला से तो बड़ा ही होगा। अब इसको अपन रियल लाइन आर पे अगर प्लॉट करें, रियल लाइन आर पे अगर अपन देखें इसको, तो अपन को क्या पता चलेगा कि अल्फा 2 कहीं यहाँ पे होगा और अल्फा 1 कहाँ पे यहीं पे होगा, क्योंकि अल्फा 1 अपन किसको माना है ग्रेटर देन 0 वालों को माना है। जब अब इस सेट में अपन को ग्रेटर देन वाला 0 वाला चाहिए, जैसे ही आप अल्फा 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि इधर का मामला पुट करेंगे, तो एक्स प्लस अल्फा 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 बनेगा, और एक्स माइनस अल्फा 1 है, अब वैल्यू तुम अल्फा 1 से बड़ी पुट करें तो ये भी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि अपने काम का हिस्सा आ जाएगा, अल्फा 1 से बड़ा वाला सारा का सारा इंटरवल इसमें काउंट हो जाएगा। जैसे ही आप अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच का पुट करेंगे तो ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा, पर जैसे ही आप अल्फा 1 से छोटा पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि अल्फा 1 से अल्फा 2 तक मामला कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे ही आप अल्फा 2 से छोटा पुट करेंगे, अल्फा 2 से छोटा पुट करेंगे, अल्फा 1 क्या है अल्फा 2 से बड़ा है, और ये वाला भी नेगेटिव आएगा उस केस में और ये वाला भी नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे तो ये क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा, तो अपने को ग्रेटर देन 0 वाला ही चाहिए। तो यानी कि अपने को पता लग गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा 2 तक और अल्फा 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये अपने काम का हिस्सा, क्योंकि अपने को चाहिए जिस इंटरवल में एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये वाला इंटरवल अपन देख रहे हैं कि अल्फा 1 से लेके इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा 2 तक, यानी कि अपने पास ऐसा सेट जो अपन इसको अगर एस बोलें तो अपने पास ऐसा इंटरवल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से तो अल्फा 2 यूनियन अल्फा 1 से इन्फिनिटी। तो ये वाला अपने काम का रीजन हो जाएगा जो कि अपने को ऑप्शन में बोला गया। अब ये देखते हैं कि ये कनेक्टेड है क्या।
अब ये कनेक्टेड होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये इंटरवल होना पड़ता है, और एक इंटरवल क्या होता है कि उसमें सारे के सारे पॉइंट आ जाने, बीच में कोई डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला रीजन तो आ रहा है और ये वाला आ रहा है, पर ये बीच वाला तो इसमें से आ ही नहीं रहा, तो ये मतलब क्या होगा कि इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं तो ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें बीच वाला हिस्सा बिलोंग ही नहीं कर रहा, अल्फा टू से अल्फा वन इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो ये कनेक्टेड सबसेट तो आर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, अपने को कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर बताना था। ध्यान में रखना कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मल्टीपल वाला सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चन थे। अब इसका बी ऑप्शन बोलता है कि इसमें इनक्वालिटी में साइन चेंज है बस, यानी कि लेस देन जीरो वाला चाहिए। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में सिर्फ इतना ही चेंज है लेस देन वाला, तो लेस देन वाला लेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें अपन को क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए। तो लेस देन वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा टू से अल्फा वन तक का मामला आ जाएगा, क्योंकि अपन को लेस देन वाला चाहिए, ये वाला साइन चाहिए, तो ये अल्फा टू से अल्फा वन तक का आ गया। जैसे ये अल्फा टू से अल्फा वन तक का आ जाएगा तो ये तो क्या बन गया, एक इंटरवल बन गया अल्फा टू से अल्फा वन, और अपन जानते हैं कि आर के कनेक्टेड सबसेट क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं, तो ये इंटरवल ये तो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि ये तो कनेक्टेड सेट ऑफ आर है। अब इसके सी और डी ऑप्शन को और देख लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मोड एक्स लेस देन मोड एक्स माइनस का फोर, अपन को मोड की प्रॉपर्टी लगानी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस दो आपको इन इक्वलिटी सोल्व करनी थी कि कैसे सोल्व करना है। जैसे मोड एक्स को अपन पता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तब एक्स आता है, लेस देन जीरो होता है तो माइनस एक्स आ जाता है। तो यहीं अपन इसको सोल्व कर लेते हैं कि जैसे एक्स आ जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, जब मोड एक्स लेस देन जीरो होगा, यानी कि एक्स लेस देन माइनस ऑफ एक्स माइनस का फोर आ जाएगा, और एक ये बन जाएगी एक्स लेस देन एक्स माइनस का फोर, यानी पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो ये ऊपर वाले आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे अपन फर्स्ट वाली को लें, एक्स लेस देन माइनस का एक्स प्लस फोर, तो इस केस में एक्स इधर आएगा तो टू एक्स लेस देन फोर, एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन टू बोलने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से टू तक का, ये वाला रीजन आ जाएगा। जब माइनस इन्फिनिटी से टू आएगा तो एक इंटरवल बन गया, यानी कि तो कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कनेक्टेड सब्जेक्ट ओवर इंटरवल, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये क्या बन गया, इंटरवल बन गया, तो कनेक्टेड हो गया। अब इसके दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं, एक्स लेस देन एक्स माइनस का फोर, क्योंकि पहले वाले में तो ये था, दूसरे वाले में तो अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि जीरो लेस देन माइनस का फोर, ये तो गलत बात है, जीरो तो बड़ा होता है माइनस फोर से, तो यानी यहाँ से अपने को कुछ नहीं मिलेगा, ये तो क्या हो गया, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट वाली इनइक्वालिटी होगी, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब सेम कहानी डी ऑप्शन में, बस उसमें ऑप्शन मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम है, जब वो करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन टू वाला मामला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रहा था, एक्स लेस देन टू वाला था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, तो एक्स ग्रेटर देन टू यानी कि टू से इन्फिनिटी चला जाएगा, तो टू से इन्फिनिटी ये भी तो एक इंटरवल है, तो इंटरवल तो ये भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन टू, तो टू से इन्फिनिटी ये भी इंटरवल बन जाएगा, और एक इससे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन फोर माइनस का फोर, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ से अपन को कुछ नहीं मिलने वाला, तो अपने को यहाँ से मिलेगा कि एक्स ग्रेटर देन टू वाला मिल जाएगा। तो यानी कि दो से इन्फिनिटी पे एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से भी एक टू पे एक इंटरवल है, तो सी और डी दोनों क्या एक इंटरवल है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यानी कि इसका भी बी सी और डी वाले ऑप्शन कैसे हो गए, करेक्ट हो गए, क्योंकि पहले वाले में क्या नहीं बन रहा था, इंटरवल नहीं बन रहा था, बीच के पॉइंट नहीं आ रहे थे, और इन सब में क्या बन रहा है, इंटरवल, तो इसका आंसर भी बी सी और डी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बड़े सिंपल से कनेक्टेड के क्वेश्चन थे, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इंटीरियर पॉइंट पे पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको थोड़ा सीक्वेंस का भी पता होना चाहिए कि लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर सच दैट दो 2018 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला इस क्वेश्चन में इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पे चलने वाला है। अब 2018 आपने को देखा कि इंटीरियर पॉइंट है, तो बताना कि एस कंटेन एन इंटरवल, देर इज ए सीक्वेंस इन एस विच डज नॉट कन्वर्ट टू 2018 की सीक्वेंस मिलेगी तो 2018 को कन्वर्ट नहीं करेगी, देर इज एन एलिमेंट वाई बिलोंग टू एस, वाई डज नॉट इक्वल टू 2018 सच दैट वाई इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट, यानी कि 2018 के अलावा भी उसमें कोई एक इंटीरियर पॉइंट होगा। तीसरा चौथा बोलता है देर इज ए पॉइंट इन जेड बिलोंग टू एस सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस का 2018 इक्वल टू दिस, कि ऐसी डिस्टेंस होगी यानी कि इतनी दूरी पे एक पॉइंट उसके अंदर जरूर होगा। तो अपन देखते हैं, अब लास्ट वाला ऑप्शन तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो इजीली, कि बोलते हैं कि जेड बिलोंग टू माइनस 2018 इक्वल टू दिस होगा, ये कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2018 है, अपन जेड यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस मान लो ये है, अब मान लो कि अपना एस वो इतना बड़ा ही हो, सपोज दैट इतना ही हो, अपन इसे छोटा इंटरवल ले लेते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि इसके अंदर आए, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं कि इससे छोटा इंटरवल ले लेंगे जिसकी डिस्टेंस इससे छोटी हो, जिसमें 2018 तो आ जाएगा, पर अपन नहीं बोल सकते कि ऐसा कोई करेगा क्या, ऐसा बोलना सही है सी वाला ऑप्शन कि एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जो इसके अलावा, क्योंकि ये आस पास वाले पॉइंट है, पर अपन डिस्टेंस को फिक्स करके नहीं बोल सकते कि इसमें एग्जिस्ट करेगा क्या, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे अपन को फर्स्ट बोला कंटेन एन इंटरवल, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, कोई पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन एस, यानी कि एक इंटरवल मिलना चाहिए ऐसा कि वो ए को कंटेन करे और एस में कंटेन हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो इंटीरियर पॉइंट है। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट है और कोई सेट एस है, अगर वो सेट उस पॉइंट का क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए,
तो अपन क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। यानी ये पॉइंट है इस सेट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, और ये सेट है वो क्या बनेगा इसका नेबरहुड बनेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अपने को क्यों है कि 2018 वो क्या इंटीरियर पॉइंट है, तो अपन इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे 2018 इंटीरियर पॉइंट है तो क्या होगा, कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि 2018 बिलोंग्स टू 2018 माइनस एप्सिलॉन से 2018 प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन एस, ये क्या होगा बाय डेफिनेशन होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है, बाय डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला क्या मिल गया अपने को, इंटरवल मिल गया, तो इसका मतलब एस कंटेन्स एन इंटरवल, तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा इसका करेक्ट हो गया कि एस इंटरवल को कंटेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि एस में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी तो 2018 को कन्वर्ज नहीं होगी। अब ये तो बड़ा सिंपल सी बात होगी, कैसे होगी कि अपन को पता है कि ये 2018 माइनस एप्सिलॉन से अगर ऐसा हो, यह वाला पॉइंट हो 2018 बीच में कहीं यहाँ पे हो, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 2018 कंटेंड इन 2018 माइनस एप्सिलॉन से 2018 प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन, ऐसा तो अपने को गिवन है। अब अपन कोई भी एक पॉइंट ए चूज कर लेते हैं तो 2018 इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं जो 2018 के नेबरहुड में है पर इसके इक्वल नहीं है, और वहाँ पे तुम क्या करो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लो वही ए, ए एन इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा ए एन कन्वर्ज टू ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि वो पॉइंट उसी को सीक्वेंस है वो उसी पॉइंट को कन्वर्ज कर देगा कि 2018 इक्वल नहीं है। भाई ये कोई एक इंटरवल है, यहाँ पे 2018 है और अपने को पता है कि ये इंटीरियर पॉइंट है तो एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ये वाला। अब अपन कोई यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट सीक्वेंस ले सकते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट सीक्वेंस ले सकते हैं, क्योंकि अपने को फिक्स तो बताया नहीं है कि दूरी कितनी क्या है, तो इस पॉइंट पे अपन कांस्टेंट सीक्वेंस लेंगे तो उसी पॉइंट का कन्वर्ज कर जाएगी, तो 2018 की इक्वल नहीं, 2018 तो यहाँ बीच वाला ये वाला है तो इसके इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब एक सीक्वेंस मिल जाएगी तो 2018 के अलावा किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, तो यानी कि बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस, आप कांस्टेंट सीक्वेंस आइडेंटिटी फंक्शन इनको सिंप्लीफाई के लिए चूज करके देखें ताकि इजीली आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट क्या है। अब अपन सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन कैसे बोलते हैं, सी ऑप्शन बोलते हैं कि जो पॉइंट है 2018 उसका नेबरहुड है, अगर कोई पॉइंट तुम वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2018 चूज करना है तो वो क्या करेगा एस है ना, वो भी एक इंटरवल कंटेन करेगा, इसके अलावा भी एक इंटरवल कंटेन करेगा, कैसे करेगा। अब मान लो एक्स अपन को मान लेते हैं कि 2018 माइनस एप्सिलॉन से 2018 प्लस एप्सिलॉन, अपन को वाई लिखा अपने एक्स ले लिया सपोज, अब 2018 के इक्वल नहीं है और 2018 माइनस एप्सिलॉन से 2018 प्लस एप्सिलॉन ये वाला इंटरवल बनता है, अपन क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट चूज कर रहे हैं, जो भी पॉइंट अपन चूज कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस तो ये होगी ना, जैसे मान लो अपन मैं एक्स यहाँ पे मानता हूँ तो एक्स माइनस 2018 और एक्स प्लस 2018 ये वाला बनेगा। अब अपन एप्सिलॉन इससे भी छोटा चूज कर लेते हैं तो एक इंटरवल बन जाएगा, भाई एक्स तो कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा और अपन उस इससे छोटा इंटरवल चूज करेंगे, तो यानी कि आर अपन उसको डिस्टेंस लेते हैं मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन माइनस से एक्स माइनस 2018, यानी कि अपना जो एप्सिलॉन है ये मान लो कि एप्सिलॉन यहाँ पे 2018 था तो 2018 माइनस, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी ये वाली होगी, ये वाला एप्सिलॉन है, अपन क्या करते हैं एप्सिलॉन और 2018 जो पॉइंट चूज कर रहे हैं उसमें से जो छोटी डिस्टेंस आएगी ना, जैसे मानो कि एक्स कहीं यहाँ पे ले रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस और ये पूरी वाली डिस्टेंस, इसमें से जो छोटी डिस्टेंस होगी ना उसको अपन क्या कर लेते हैं आर मान लेते हैं। अब जब तुम आर बाई टू का इंटरवल लोगे तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो क्या बनेगा वो एक एक्स जो नॉट इक्वल टू 2018 है उसके अलावा किसी पॉइंट का क्या करेगा नेबरहुड कंटेन कर लेगा, और जो नेबरहुड कंटेन करेगा तो वो क्या बन गया एक इंटरवल बन गया, ये इस टाइप का इंटरवल बन जाएगा कंटेंस इन एस, इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, और ऑप्शन में यही बोला था गया था कि 2018 के अलावा भी किसी पॉइंट का एक इंटीरियर पॉइंट बनेगा, कि देर इज एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू एस तो 2018 के इक्वल नहीं है सच दैट वाई इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, यानी कि वो भी क्या होगा एस का इंटीरियर पॉइंट होगा। इसको अपने कैसे समझा कि भाई अपन को पता है 2018 अपने यहाँ पे कहीं है, उसके अलावा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन डिस्टेंस ये हो जाएगी, अब अपन वाई है वो 2018 इक्वल नहीं है तो अपन कहीं यहाँ पे चूज करेंगे, उसकी डिस्टेंस अपन देखेंगे 2018 से कितनी आ रही है वो वाली डिस्टेंस, और जो एप्सिलॉन है उसमें जो छोटा होगा उसको अपन क्या मानेंगे आर मान लेते हैं, और अपन इंटरवल चूज कर लेंगे एक्स माइनस या वाई माइनस आर बाई टू से वाई प्लस आर बाई टू, तो वो क्या बन जाएगा वाई को कंटेन करेगा और वो भी सेट के अंदर है, क्योंकि अंदर क्यों है क्योंकि जब ये पूरा इंटरवल ही एस के अंदर है तो उसके बीच का पार्ट तो एस के अंदर आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी एक इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करेगा तो 2018 के इक्वल नहीं है। पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो गलत क्यों हो जाएगा इसका रीज़न ये है कि जैसे ये आप जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, अपने को बोला गया कि जो एप्सिलॉन है वो अपन अगर मान लो इससे छोटा ले लेते हैं, जब इससे छोटा ले लेंगे तो ये डिस्टेंस तो आ ही नहीं पाएगी, अपन को बोला कि जेड माइनस का 2018 इक्वल्स टू मोड लेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, अपन इसे छोटी चूज कर लेंगे तो जेड माइनस का ये करेंगे तो ये तो इसके बाहर रह जाएगा, जेड तो इसके बाहर ही रह जाएगा, अंदर आए ही नहीं, तो इसका मतलब ये एस में कंटेन होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जेड इसके अंदर नहीं जाएगा 2018 माइनस एप्सिलॉन से, ये तो यहीं रह जाएगा, जेड बाहर रह जाएगा, कि जैसे 2018 यहाँ पे है और ये एप्सिलॉन वाली डिस्टेंस है वो अपन इतनी ले लेते हैं तो जेड तो अपना यहाँ रह गया तो वो तो इसके अंदर कंटेन ही नहीं हुआ, जबकि इंटरवल तो अपना यही है, यानी कि एस इतना भी तो हो सकता है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू ये भी तो हो सकती है, यहाँ पे इसने एप्सिलॉन को फिक्स कर दिया, इस वजह से क्या हो गया डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
तो आपने यहाँ पे देखा कि इंटीरियर पॉइंट और कनेक्टेड सेट के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इसका फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए बी सी आंसर हो जाएगा, डी वाला इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर ए बी और सी। तो ये कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट और इंटीरियर पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पूरी थ्योरी है उसको देख लिया था। अगर आपको कोई डाउट हो आप उनको देख सकते हैं, आप कमेंट करें, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके 2017 के और उनके सब क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।